बंधु हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या एक्सटर्नल मीडिया, मैं सबको नमस्कार करता हूं। अपनी ओर से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 8 तारीख को यानी 8 अक्टूबर को प्रेस वार्ता के जरिए मैंने बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो राष्ट्रीय जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनसे मैंने अपने टिकट काटने के सवाल पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। मैंने 16 तारीख तक इंतज़ार किया कि आप उस पर पुनर्विचार करें, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर पुनर्विचार करना उचित नहीं समझा। खैर, मुझे बड़ी खुशी हुई, बेहद खुशी हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनर्विचार नहीं किया, और हम उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि कम से कम वे हमें मुक्त कर दिए। हमारा भगवाकरण नहीं हो पाया। अगर वहाँ हम रहते तो एक जो कोशिश चल रही थी कि रमेश सिंह कुशवाहा का भगवाकरण कर दिया जाए, तो हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जो हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, हम वामपंथी आंदोलन के गर्भ से निकले हुए व्यक्ति हैं, मेरा भगवाकरण कभी नहीं हो सकता। तो उस दिन भी मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के विरुद्ध पिछली प्रेस वार्ता में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध किया था कि टिकट कटने के सवाल पर वो पुनर्विचार करें, लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने पुनर्विचार नहीं किया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अंतरात्मा की आवाज़ से मेरा मतलब यह है कि मैं कभी भी भाजपा जैसी ताकत के साथ जदयू के राजनीतिक गठबंधन का समर्थक नहीं रहा हूं। अपने स्वार्थ के लिए मैं देश के विनाश एवं सांप्रदायिक व सामाजिक तनाव के पक्ष में कभी भी तैयार नहीं था, क्योंकि भाजपा के राजनीति को हम देश और समाज के हित के विरुद्ध पाते हैं। खासकर सामाजिक न्याय की ताकतों के लिए भाजपा की राजनीति पूरी तौर पर विनाशकारी है। हमने अपने पूरे जीवन में जनता के साथ कभी नहीं छोड़ा, और जदयू में रहते हुए भी आम जन की राजनीति के साथ मेरी प्रतिबद्धता बरकरार रही है। हमने सदैव सामाजिक न्याय और विकास की राजनीति को जनता की ताकत माना और इसी को आगे बढ़ाने में लगा रहा। यह बात जदयू के अंदर प्रवेश कर चुकी माफिया लंपट धन कुबेर और चापलूस तत्वों को खलता रहा है। इन्हीं लोगों ने जदयू से मुझे टिकट न मिले इसके लिए बड़ी भूमिका निभाई है। बहरहाल, मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने भाजपा जदयू गठबंधन के सहयोग की हो रही ऐतिहासिक गलती से मुझे बचा लिया। आगामी चुनाव में मैं अपने आम जन के उत्थान व कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की वजह से, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से भाजपा जदयू गठबंधन के खिलाफ चुनावी अभियान में शरीक रहूँगा। जो ताकतें इस गठबंधन को हराएगी, सामर्थ्य के आधार पर उनका समर्थन भी करूँगा। मैं निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन में सुचिता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से जनता की सेवा करता रहा हूँ, उसको जारी रखूँगा। और भाजपा की फांसीवादी तानाशाही अभियान के खिलाफ न्याय, लोकतंत्र, सामाजिक सद्भाव और विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता से लड़ता रहूँगा। देश व प्रदेश में बदलाव के लिए चल रहे विभिन्न तरह के आंदोलनों में को मजबूत करने में अपनी क्षमता का उपयोग करूँगा। संक्षेप में यही हमारी बातें हैं जो आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। इसके अलावा आप लोग और भी कुछ पूछना चाहें तो मैं अपनी बात रखूं। अचानक सर, आप जदयू से विरोधी हो गए, काफ़ी समय से आप पुस्तकी में रह चुके हैं, ऐसा क्या हुआ कि आप विरोध करना? देखिए, आप लोग ये भी जानते हैं कि हम महागठबंधन से चुनाव जीते थे उस दौर में भी, और जब नीतीश जी महागठबंधन बना रहे थे तो मैं पहला व्यक्ति था बिहार का कि प्रेस के जरिए मैंने उनका स्वागत किया था
कि माननीय नीतीश जी आप सही जगह पर आए हैं और सही जगह आप गठबंधन कर रहे हैं। जब उन्होंने ये गठबंधन को तोड़ा, अचानक हम लोगों को बुलाया गया विधानसभा के अंदर और अचानक नया गठबंधन और नई सरकार बना दी गई। उस समय से हम घुटन भरी जीवन जी रहे थे। बीच में मीडिया के बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या भाजपा का मंच शेयर करेंगे, तो हमने ज़रूर ये कहा था कि भाई व्यक्तिगत बातचीत तो सबसे होती है राजनीति में रहने के चलते, और हमारी पार्टी ही गठबंधन में है तो मंच शेयर कर सकता हूँ, लेकिन हमें कोई भी व्यक्ति हमें संघ ही नहीं बना सकता, हमने कहा था बातचीत के दरमियान। लेकिन आज जिस ढंग का माहौल है बिहार में, आप देखें, आप खुद जरा सोचिए कि क्या वाकई में नीतीश जी का, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का, जनता दल यू का भाजपा से कहीं गठबंधन है? 115 सीट पर जदयू अलग लड़ रही है, और मैं दावे के साथ कहता हूं 243 पर भाजपा अकेले लड़ रही है। जहां जदयू है वहां लोजपा, वो भाजपा की बी टीम के बातों, भाजपा वहां चुनाव लड़ रही है कहां गठबंधन? लेकिन जो जिस ढंग की विचारधारा, जिस तरह का जहर फैलाया जा रहा है, समाज को दूषित किया जा रहा है, रमेश कुशवाहा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का मैंने स्वागत किया है। आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी उतार का विरोध कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। देखिए, निर्दलीय बहुत सारे लोग हमसे कह रहे थे कि कुशवाहा जी जो हमारे शुभचिंतक थे, जो लोग हमारे मित्र थे, वो चाहते थे कि निर्दलीय लड़े। हमने निर्दलीय चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। मेरा लक्ष्य था कि जो विचारधारा है हमारे देश में जो आज चल रही है, इस ये विचारधारा पराजित कैसे हो, तो हमने सोचा, अपने तमाम फिर मित्रों की हमने बैठकें बुलाई, व्यक्तिगत बातचीत में भी हम लोग एक मत होकर के इस राय पर पहुँचे, इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि नहीं, अभी हर जगह NDA प्रत्याशियों को हराया जाए, इसी में हम लोगों की जीत है। जी सर, जैसा आपने कहा कि पार्टी में रह करके हम घुटन जिंदगी जी रहे थे और अंततः हमें ये फैसला लेना पड़ा, लेकिन क्या अगर आपका टिकट नहीं कटता तो आप अभी भी उसी में रहते? टिकट कटने की वजह से आप विरोध कर रहे हैं, देखिए इसमें जनसेवा कहाँ से आ गया? भीतर की बात यही है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमें टिकट भी देते तो शायद इस बार हम लौटा दिए होते टिकट। इसी सवाल पर विचार मैंने हमने तार्किक रूप से उनको घेरने की कोशिश किया था कि आप पुनर्विचार कीजिए। इस सवाल पर मैंने कहा मैंने उन्हें कहा कि आप पुनर्विचार कीजिए, तर्क दीजिए, हमें अपना पक्ष रखने दीजिए, लेकिन कोई बात नहीं सुनी गई। इस इन संदर्भों में हमारा था पुनर्विचार करने की बात। जेडीयू में रहने का कोई, हम तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री को आज़ादी, हमें पार्टी से निकाल दें। हमने तो कहा कि महागठबंधन के सिवान जिले में जितने प्रत्याशी होंगे, जो NDA को पराजित कर रहे होंगे, वहाँ हर जगह हम महागठबंधन के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। समर्थन ही नहीं करेंगे, सक्रिय समर्थन करेंगे। उसमें माले भी है, RJD भी है, और कोई भी हो सकता है। अगर आपको जदयू की तरफ से कोई प्रलोभन दिया जाता है कि अगर चुनाव बाद कोई आपको सीट दी जाएगी, जैसे राज्यसभा जजडेट, तो क्या आप फिर साइलेंट हो जाएंगे या विरोध करते रहेंगे? देखिए, पहली बात है कि देंगे कि क्या करेंगे वो लगती बात है। हमको आज तक कोई व्यक्ति हमको प्रलोभन के जरिए नहीं खरीदा है। अभी तक तो राजनीति में हम ही किए हैं, हमको प्रलोभन दे करके कोई पार्टी में नहीं ले गया है। हम चाहते तो बहुत सारे लोगों को लोजपा से टिकट मिल गया, क्या हमें नहीं मिल सकता था? क्या मिलेगा तो आपका क्या? नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम महागठबंधन के साथ रहेंगे, बदलाव की ताकतों के साथ रहेंगे। देश में जो भी बदलाव के आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों के प्रति मेरी प्रतिबद्धता रहेगी। अब बहुत सारे लोग, मनोज सिंह का भी टिकट कट गया, सुनिए ना, वो चले गए लोजपा में, इसलिए चले गए, वो भाजपा के साथ ही है, वो लोजपा में रहते हुए भाजपा के साथ हैं। हमें भी ऑफर था, हमें भी कहा गया था कि आप भी लोजपा से लड़ लीजिए। हमको उपेंद्र कुशवाहा ने भी ऑफर दिया था, लेकिन हमने किसी की बात नहीं माना कि ना हम लोजपा में जाएंगे, आना हम रालोसपा में जाएंगे, हम बदलाव की ताकतों के साथ खड़ा रहेंगे। महागठबंधन क्या? महागठबंधन कोई पार्टी थोड़े है, विभिन्न दलों का मोर्चा है। आखिर ऐसा क्या वजह रहा कि आपको टिकट कटा, क्या मानते हैं? ये तो माननीय नीतीश जी सबसे बेहतर बताएं।
उनसे आप लोग पूछिए कि रमेश कुशवाहा की पार्टी विरोधी लाइन क्या रही। हम तो उनके बहुत सारे नेता हैं जो लंपट भाषा बोलते हैं सिवान की राजनीति में, वो पार्टी लाइन की खिलाफत करते हैं लेकिन उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और जो जनता दल यू की जो लाइन थी, नीतीश जी कहते हैं कि हम रेडिकल सोच के हैं, हम समता विचारधारा वाले लोग हैं, हम गांधी की बात को मानते हैं, लोहिया की बात मानते हैं, अंबेडकर की बात मानते हैं, लेकिन गांधी जी गोली खा गए सीने पर, शहीद हो गए गांधी जी। लेकिन उस समय जो हिंदू महासभा थी या उस दौर का जो संघ था, उससे उन्होंने समझौता नहीं किया देश विभाजन के बाद से। वो लड़ते रहे धर्मनिरपेक्षता के लिए और इन्हीं कारणों से उनकी हत्या हो जाती है। तो हम कभी भी गांधी के हत्यारों के साथ खड़ा नहीं हो सकते, हम बदलाव की ताकतों के साथ खड़ा हूँ। सर, आज आप इतना जैसे कि नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया था उस दिन तो कहा था आपने कि हम नीतीश कुमार के साथ ही रहना चाहते हैं, उन्हीं में हमारी आस्था है। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से नहीं बोले थे, हम नीतीश जी का टेस्ट भी करना चाहते थे कि नीतीश जी का भी एक जाँच हो जाए, लेकिन हमारी अंतरात्मा की आवाज़ यही थी हम यहाँ से हटें और बदलाव की ताकतों के साथ जुड़ें और जो भी सामाजिक सद्भाव की ताकत हैं उनके साथ खड़ा हूँ। यानी रमेश कुशवाहा पहले ही मन बना चुके थे? बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत।